Good morning, dear students. How are you all? Welcome to your English class. And today we are going to start Unit 7, Chapter Gulliver's Travel from your Marigold book. So, when a person tells the story of his life in his own words, अगर एक person, जब एक person अपनी story, अपने life की story, अपने words में बताता है. On words means अपने ही words में अपने तरीके से बताता है, then it is called an autobiography. इसको क्या बोलते हैं? Autobiography means आत्मकथा. In this story, a person Gulliver, who is Gulliver, a sailor. Gulliver एक नाविक है जो एक बार पानी लेने के लिए वाटर लेने के लिए जाता है और वहां जायंट्स के बीच में फंस जाता है. अब जायंट्स होते हैं बहुत बड़े, वो बहुत बिग होते हैं. उनके लिए गुलिवर क्या था? बहुत स्मॉल पर्सन था और वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे उसको देखकर. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इन द story, then let's read about this. When a person tells the story of his own life in his own words, it is called an autobiography. जब एक person अपनी story को अपने ही words में बोलता है, what is it called? Autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. गुलिवर एक बार जो कि नाविक है, एक बार जियांट्स के हाथ में फंस जाता है, जियांट्स पकड़ लेते हैं उसे. तो दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. तो यहाँ इन दिस स्टोरी गुलिवर्स ट्रेवल ही डिस्क्राइब्स हिज ऑन एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, अपने ही वर्ड्स में बता रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. 16th June 1730 को हमने discovered land को discover किया. हमने means गुलिवर और उसके साथियों ने. Our captain sent a dozen men with vessel for water if any could be found. हमारे captain ने dozen means जैसे 12 persons लगभग होते हैं, कि 12 persons with vessels होते हैं, पानी के जो बड़ी बड़ी tanks होते हैं, वो पानी के लिए, पानी भरने के लिए भेजा कि अगर किसी को भी मिले तो वो वेसल्स भर ले आए. When we came to land, we saw no river, spring nor any habitants. Habitants होते हैं निवासी, वहाँ रहने वाले persons. और जब हम लैंड में या लैंड पर आए तो हमने देखा कि वहाँ कोई रिवर नहीं थी और न ही वहाँ कोई निवासी थी. I went on to explore. Explore means फैलाना, वैसे उसका मीनिंग होता है, बट बड़े विस्तार से मैं देखने के लिए गया कि पूरी जगह एक बार चेक कर लूं कि कहीं कोई वाटर तो नहीं. The country was barren and rocky. Barren means सुनसान, rocky means पत्थरों वाली, चट्टानों भरी. पूरी कंट्री सुनसान थी. I turned back to join the crew. Crew means दल, जो इसके dozen men उसके साथ आए थे, crew. Only to see them getting into the boat and drawing for life to get to the ship. और जब मैं क्रू की तरफ दौड़ने लगा, देखा उनकी तरफ मुड़ा, turn back means मुड़ना. क्रू यहाँ किसके लिए यूज किया? सेलर्स के लिए. सेलर्स के जो दल होते हैं उनको क्रू बोलते हैं. Only to see them, उनको ये देखने के लिए जब मैं उनकी तरफ मुड़ा तो मैंने क्या देखा, वो सभी बोट की तरफ भागे जा रहे हैं. एंड ड्रॉइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप, अपनी जान बचाने के लिए वो शिप की तरफ भाग रहे हैं. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ई कुड. और जब मैं उनकी तरफ उनसे पहले पहुंचता, उसे पहले ही मैंने क्या ऑब्जर्व, यानी देखना ऑब्जर्व किया कि एक ह्यूज क्रिएचर, एक बड़ा सारा क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी, उनकी तरफ सी में आ रहा है और इतनी तेजी से जितना कि वो तेज चल सकता था. यहाँ ये दिस इज अ जायंट, ओके, और दिस इज अ क्रू. द वॉटर ऑफ द ओशियन रीच ओनली टिल हिज नीज, और इतना ज्यादा वाटर ओशियंस का था और उसके बाद भी उसकी सिर्फ नीज तक ही पानी आ रहा था. हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट
आई टर्न्ड बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन ईदर साइड एंड द कोर राइजिंग अप टू 40 feet. मॉन्स्टर अनेबल था उस स्पीडिंग बोट का पीछा करते हुए. वो बोट इतनी ज्यादा तेज थी, हावर वो फिर भी चलो वो पीछे रह गया. बट आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन अदर साइड. अब जब मैं पीछे की तरफ भागा, इतनी तेजी से मैं भागा, तो मैंने वहां पहाड़ियां देखी विद फील्ड्स, जहां पर खेत भी थे, और वहां पर उसके चारों ओर क्या उगा हुआ था, कॉर्न यानी मक्का, और जो कि 40 feet की ऊंचाई पर था. देर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर. तो वहां जाने के लिए फेंस यानी चार दीवारी बनी हुई थी, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए वहां चार दीवारी बनी हुई थी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज दे एवरी स्टेप वो 6 feet हाई. वहां चार दीवारी को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हर स्टेप 6 feet की ऊंचाई पर था. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द हैबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स अ फेंस. जब मैंने ये देखा कि मैं एक कुछ देख लेता हूँ, क्या पता कोई गैप हो बीच में, चार दीवारी के कोई गैप हो जिसमें से मैं वहां छुप सकूं, तो मैंने क्या देखा, मैंने डिस्कवर किया, मैंने उसे मुझे मिल तो गया गैप, बट फिर मैंने क्या डिस्कवर किया कि मुझे इनहैबिटेंट्स, एक वहां का जो निवासी है वो साथ वाले फील्ड में उसी चार दीवारी की तरफ से आ रहा था. ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट. और वो बिल्कुल सेम साइज का क्रिएचर था, जो कि ये जो क्रिएचर है ये बिल्कुल इसी के साइज का था जो उस टाइम बोट का पीछा कर रहा था. चेजिंग मीन्स पीछा करना. आई वॉज स्ट्रक विद अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट. एस्टोनिशमेंट मीन्स हैरान हो जाना. मैं बहुत ज्यादा डर गया और हैरान हो गया. एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ. हाइड मीन्स होता है छिपाना, और अपने आप को छिपाने के लिए मैं वहां से भाग पड़ा. ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्प्ट. उसने मुझे इतनी जोर से आवाज लगाई, देन अ ट्रम्प्ट यानी जो ड्रम की आवाज आती है इतनी तेज, वैसी आवाज थी उसकी. इट साउंडेड लाइक अ थंडर, और बिजली की गर्जन जैसी आवाज लग रही थी. 7 monster लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न. और वो सभी कॉर्न, ये सभी रेडी टू रीप द कॉर्न, कॉर्न काटने के लिए, फसल को काटना. रीप द कॉर्न मीन्स फसल को काटने के लिए 7 monsters वहां पर उसकी तरह आए थे. इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि ये जो जियांट्स थे वो क्या थे, फार्मर. दे कैरीड अ रेपिंग हुक. रेपिंग हुक होता है, एक हथियार होता है जिससे हम कॉर्न को काटते हैं. विच वॉज वेरी बिग, जो कि बहुत बड़ा था. वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड. जब उनमें से एक रीपर यानी फसल काटने वाला जब वहां पहुंचा, तो मैं वहां पर जहां छुपा हुआ था उसने मुझे देख लिया, और मैं स्क्रीम मीन्स क्या होता है, चिल्लाना, क्राइड का सिनोनिम्स है ये. तो मैं इतनी तेजी से चिल्लाया जितना मैं चिल्ला सकता था. द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग. क्रिएचर ने, उस दानव ने स्टॉप्ड कर दी अपनी रीपिंग करनी, फसल काटनी बंद कर दी, और पिक्ड मी अप ऐसे इस तरह से ये उठा लिया बिटवीन हिज थम एंड फोर फिंगर. थम मीन्स अंगूठा, और फोर फिंगर ये चार उंगलियां. एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, और मुझे अपनी आईज की तरफ ले गया, लाइक दिस पिक्चर 60 feet अबव द ग्राउंड. और मुझे लगा मैं यहां से 60 feet की ऊंचाई पर चला गया. ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस. और उसने मुझे बड़े क्यूरियसिटी यानी बेचैनी से, उत्सुकता से देखा कि इतना ये छोटा सा पर्सन है, वो मुझे देख रहा था, और मेरे साइड में हेयर कर दिया ताकि वो मुझे अच्छे से ध्यान से देख सके. ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड. उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, और जेंटली मीन्स बड़े प्यार से मुझे उसने ग्राउंड पर छोड़ दिया. दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी. और मुझे देखने के लिए वो सभी वहां पर इकट्ठे हो गई. आई वॉक्ड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. मैं कभी पीछे हो रहा था, कभी आगे हो रहा था. पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर. तो मैंने अपनी हैट उतारी, और मेरे वो जो फार्मर्स थे वहां पर उनके आगे मैंने रिक्वेस्ट की, लो बो मीन्स झुकना.
अपना सिर झुकाना। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज, मैंने बहुत लैंग्वेजेस में उनसे बात करने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो दैट द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी, और हर बार जो फार्मर था वो अपना कान मेरी तरफ लेकर आता, बट इन वेन मीन्स व्यर्थ, तो पर वो बेकार था, यानी मुझे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। द फार्मर टुक मी टू द हाउस एंड प्लेस्ड मी एट वंस डिस्टेंस एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। तो वो एक उनमें से एक फार्मर जिसने मुझे पहले देखा था, वो मुझे घर पर ले गया और थोड़ी दूरी पर उसने मुझे डाइनिंग टेबल की थोड़ी दूरी पर बिठा दिया, जो कि फर्श से 30 feet की ऊंचाई पर था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर। तो मेरे लिए फूड लाया गया जो कि 10 feet डायमीटर में एक बड़ी सारी डिश प्लेट में यानी कि लाया गया। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। फार्मर की वाइफ कुछ ब्रेड ले आई मेरे सामने, उसने रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, और फिर मुझे डिनर के बीच में जब मैं डिनर कर रहा था तो बीच में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और मेरे पीछे शोर सा सुनाई दिया। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैच दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। जो हमारे यहाँ ऑक्स होता है बैल, वो भी कितना बड़ा होता है, और जो यहाँ कैट थी वो 10 times लार्जर थी एक ऑक्स से। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, फार्मर की वाइफ भी बड़े ध्यान से उसके देख रही थी। देन एंटर स्टॉकिंग, उसको डांट रही थी, उसको पीछे भगा रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तब एक लेडी एंटर हुई वहां पर अपने फार्मर के 1 साल के बेटे के साथ, उसको अपने आर्म्स में ले रखा था। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मीन्स होते झपटना मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ। और मुझे देखते ही वो चाइल्ड, तो 1 साल का था, उसे कुछ भी क्लियर नहीं था कि क्या करना है, वो कौन है, तो उसने मेरा सिर अपने माउथ में लेने के लिए उसने मुझ पर झपटा मारा। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, और मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि बेबी ने मुझे नीचे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड एन हर एप्रन अंडर मी। तो मैं तो गिर ही जाता और मेरी नेक टूट ही जाती कि अगर वो जो लेडी थी, वो मदर थी, अगर मेरे नीचे एप्रन नहीं रखती। एप्रन होता कोई कपड़ा सा, भारी कपड़ा। लेटर शी पुट मी ऑन हर बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, और मुझे उसने अपने बेड पर सुलाया, बेड पर ले गई और मुझे, और कवर्ड मी विद अ क्लीन, और मुझ पर एक क्लीन, उसका जो हैंकी था वो भी उसकी चद्दर के बराबर ही था। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और इस तरह मैं सोचता हुआ अपने घर के बारे में, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में सोचता हुआ वहां पर सो गया। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी इन योर बुक अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल। ही इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर गुलिवर्स ट्रेवल, जोनाथन स्विफ्ट। सो नेक्स्ट यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आपको कुछ वर्ड्स दिखाए हुए हैं जो टफ वर्ड्स हैं आपकी यहाँ पर, हमें एक चीज चैप्टर में दिखे हैं, तो मैं उसका थोड़ा हिंदी मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। बेलोइंग मीन्स होता है चिंगाड़ना, बहुत ऊंचा बोलना। इनहैबिटेंट्स मीन्स क्या होता है, निवासी, यानी एक जगह पर रहने वाले पर्सन। बैरन मीन्स क्या होता है, सुनसान, जो अकेलापन होता है, सुनसान। एस्टोनिशमेंट मीन्स क्या होता है, हैरान हो जाना, एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज हो जाना। और क्रम्बल्ड मीन्स ब्रोकन इंटू पीसेज मीन्स टुकड़ों में बट जाना। नेक्स्ट है ग्रैब मीन्स झपटना, किसी चीज पर झपटना, जैसे फार्मर का चाइल्ड गुलिवर पर झपट रहा था। स्ट्रोक मीन्स होता है हाथ फेरना, जब कैट आई थी तो फार्मर की वाइफ उसको हाथ फेर कर बड़े प्यार से उसको पीछे कर रही थी क्योंकि गुलिवर उससे डर गया था। चेजिंग मीन्स क्या होता है, पीछा करना, कि जो ज्यांट था वो गुलिवर और उसके जो साथी थे उनका पीछा कर रहा था। सो दीज आर द टफ वर्ड्स, एंड नाउ कम ऑन इट्स MCQs, चूज द करेक्ट आंसर। द ज्यांट कैरीड अ रीपिंग हुक बिकॉज
ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जेंट्स, ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न और ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर. रीपिंग हुक किस लिए लिया हुआ था? बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. तो बी पार्ट इज द राइट आंसर. दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम, बिकॉज गुलिवर को उन्होंने ऊपर क्यों उठा लिया था, क्यों देखना चाहते थे उसी, क्यों उसको ध्यान से देख रहे थे. बिकॉज दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, क्योंकि उन्होंने ऐसा पर्सन नहीं देखा था. दे थॉट ही वॉज अ डॉल, क्योंकि उन्हें लगा कि डॉल है, गुड़िया सी है. या दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, एक ऐसा छोटा पर्सन उन्होंने कभी नहीं देखा था. सो यस दैट इज द राइट आंसर. दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, उन्होंने ऐसा छोटा पर्सन कभी नहीं देखा था. नेक्स्ट इज गुलिवर वॉज, हु वॉज गुलिवर? गुलिवर वॉज अ सेलर. तो बी पार्ट इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट, नेम द क्रिएचर टू हुम यू वुड लाइक टू लुक लाइक गुलिवर. द क्रिएचर इज नाउ एग्जिंक्ट, यानी लुप्त हो जाना, अब लुप्त हो गया ये एनिमल. तो क्रिएचर ये कौन सा है? डी से शुरू होता है, तो ये क्या है? डायनासोर. सो दिस इज योर एक्सरसाइज. सो डू द न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर ऑन योर फेयर नोटबुक. हैव अ नाइस डे.